द ब्यूटिफुल नेम्स ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटीज के फिलिंदी ब्लैंक्स भी हैं। बेटे जी मिस सिद्रा मेड यू पीपल डू दैट दोज फिल इन द ब्लैंक्स राइट हसन मिस सिद्रा ने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए ना बेटे अनम्यूट योरसेल्फ मिस हो सकता है मेरी 11 बजे लाइट चली जाए तो अगर ऐसा हो तो व्हाट्सएप पे काम शेयर कर दीजिएगा प्लीज बेटे या आई विल जस्ट डू द एक्सप्लेनेशन एंड होमवर्क जो है ना मैं यूनिवर्सिटी पे अपलोड करूंगी ठीक है तो कोई काम ऐसा मैं नहीं okay. करवा रही हूँ ठीक है आई विल जस्ट एक्सप्लेन द चैप्टर एंड आई विल गिव यू द होमवर्क ओके सो डोंट नीड टू वरी अच्छा यू बी आई एम आस्किंग अबाउट दैट जैना आपने बेटे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं की हुई नो टीचर मेरे पास बुक नहीं है अच्छा अब्राहम अनम्यूट योरसेल्फ बेटे डू हैव यू डन द फिल इन द ब्लैंक्स टीचर देयर मिस सिद्रा हैवंट गिव अस द फिलिंग द ब्लैंक्स ओके आई विल टॉक टू हर एंड लेट यू पीपल नो ओके डोंट वरी अबाउट दैट ओके सो योर सेकंड चैप्टर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स टू द सेकंड चैप्टर दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पिलर्स ऑफ इस्लाम ओके सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन दोज हु आर हैविंग द बुक्स काइंडली Open the books. I'll be sharing my screen too. Okay. Just give me a second. I hope everyone is having the book. जी आयन अशरफ बोलो बेटे. Miss, I don't have book. I'll share my screen. Don't worry. जी हसन unmute yourself बेटा बोले. Miss, I don't have book. हसन, okay, आयन अशरफ, I'll share my screen. हसन unmute करो बेटे बोलो. Miss, I don't have book right now. Sharing my screen, don't worry, okay? जी आमना ताबिश, unmute कीजिए बेटे. मेरे पास भी book नहीं है, मैं आज जाके लूँगी. बेटे, no problem, आप ले लेना, but मैं आपको मेरे पास मैं आपको screen share कर रही हूँ, ठीक है? जी ज़ैनब. क्या आप मिस सिद्रा से कहेगा कि fill in the blanks send कर दें? Okay. जी अब्राहम अनम्यूट कीजिए वांट टू से समथिंग टीचर मैं कह रहा था कि जो है मिस सिद्रा ने अभी तक टीचर हैवंट डन द फिल इन द ब्लैंक्स बट आई हैव डन इट इन माय कॉपी आफ्टर रीडिंग द चैप्टर ओके वी विल डिस्कस अबाउट दिस विद मिस सिद्रा इन द नेक्स्ट क्लासेस और टुमारो ओके सो डोंट वरी मैम स्टॉप डूइंग दिस ओके बेटे जी फातिमा बेटे बोलो मिस आई डोंट हैव इस्लामिक बुक नो प्रॉब्लम आई शेयर माय स्क्रीन डोंट वरी जी रेहान बोलिए मेरे जो आपने करवाया था ना द ब्यूटीफुल नेम ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है बेटा वो मैंने नहीं मैं सुद्रा ने करवाया था And you are supposed to complete it. बेटा आप lecture recordings देखिएगा उसमें आपका उसमें से देख के complete कर लीजिएगा. Okay, so let's not waste more time and move towards the second chapter. And your second chapter is okay. Just give me a second. I'll sharing my screen. Let me open it.
Okay, so can you all see my screen? Can you all see the screen? Give me a thumbs up. Are all the words clear to everyone? Okay. Okay. Okay, those who are already having a book, just open this page. Ji, boliye Hiba, unmute kijiye, beta, bolo. मेरे साथ क्या करवा रही है? बेटा इस्लामियत का सेकंड चैप्टर करवा रही हूँ। मेरे पास बुक नहीं है। बेटे मैं स्क्रीन इसीलिए शेयर कर रही हूँ ना? मिस हम पढ़ेंगे या करवाएंगे? मैं पहले मैं रीड करूँगी देन यू विल रीड इट। मिस उसके बाद मैं करूँगी। Okay, so the pillars of Islam. Pillars of Islam. Okay, so what do you think that what are you people going to learn in this chapter? Let's stop the screen now. As I have showed you that I'll be sharing my screen as well. But can anyone tell me that what do you think that what you will be learning in this chapter? Anyone? Anyone? जी अब्राहम बोलिए बेटे टीचर आई थिंक वी विल बी लर्निंग अबाउट द पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड जी ओके ओके सो एनीवन एल्स किसी और को पार्टिसिपेट करना है किसी और को बोलना है अच्छा ये फाइव जो पिलर्स है ना जो वील बी लर्निंग टुडे ये फाइव वो पिलर्स हैं जिस पे हमारा पूरा मतलब हमारा पूरा फेथ हमारा पूरा बिलीव उस पर है ठीक है मतलब हमारा जो इस्लाम हमारा जो रिलीजन है ठीक है मुसलमानों का रिलीजन जो इस्लाम है ठीक है इट इज ऑल बेस्ड इट इज ऑल अपॉन दिस जी हसान अनम्यूट करो बेटा जी आसान तौहीद नमाज ज़कात रोजा हज ओके वेरी गुड बट दिस वाज इन द क्वेश्चन ओके वेरी गुड आसान थैंक यू ओके सो हम इस पे इन फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम पे ना बहुत बिलीव करते हैं और इन्हीं को हम फॉलो करते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग Okay, so the name of the chapter is Pillars of Islam. I hope all of you can see my screen. Okay, so let's start reading. Okay, dear children, Islam is the only religion which is a message of peace and well-being. For the whole world. ठीक है okay. So in the first sentence they are saying कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है ठीक है जो हमें मैसेज देता है एक पीस और वेल बींग मतलब एक बहुत अच्छा और एक ना बहुत एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट और एक बहुत कोई कहीं नेगेटिविटी नहीं है सब वो हमें पॉजिटिव दिखाता है और हमारे लिए हर चीज वो अच्छे से उसमें हमारे लिए चूज की गई है और सब कुछ है ठीक है ओके व्हाई इज माय प्लग गोइंग ओके सो ओके इन द नेक्स्ट ओके इट गिव्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पॉसिबल रिलेशंस एंड अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड ओके सो एज वी पीपल आर लिविंग इन द वर्ल्ड राइट तो वहां पे नेगेटिव चीजें होती हैं पॉजिटिव चीजें होती हैं ठीक है तो इस्लाम जो है ना वो हमें एक कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन देता है जिसके अंदर हमें हमारे रिलेशनशिप्स को अगर रिलेशनशिप्स नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी की तरफ किस तरह जा सकते हैं उसकी तालीम देता है ठीक है
और जो बाकी बहुत सारे लाइफ में हमारे पास मसले मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो जो इस्लाम है ना वो हमें उन सब चीज़ों की तालीम देता है, ठीक है, वो हमें उन सारी चीज़ों की ना हमें एजुकेट करता है कि भाई अगर ये गलत है तो ये सही करना है, ये सही है तो इसको और सही किस तरह करना है, ठीक है. नाउ इट इज़ अ रिलीजन which imparts lessons of love, peace, concern for the well-being of all fellow human beings, kind-heartedness, courtesy and civilized behavior. Okay, तो जो इस्लाम है ना वो हमारे बहुत सारे लाइफ के पार्ट्स पे जो है ना अपना कंसर्न शो करता है. ऑलमोस्ट एवरी पार्ट पे ही अल्लाह ताला हमें संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, बट और बहुत सारी चीजों पे भी बाकी सब सबको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है. अल्लाह ताला ने हमें थ्रू अल्लाह ताला और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरा अल्लाह ताला ने हमें कुरान में समझाया है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह गुजारना चाहिए, हमें किस तरह पॉजिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए, हमें किस तरह से चीजों को अच्छे से लेकर चलना चाहिए, ठीक है. कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा हो तो आप उसको कैसे पॉजिटिविटी में लेके जा सकते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है. इन फैक्ट इट टीचेस अस एवरीथिंग व्हिच इज गुड. अल्लाह द अलमाइटी सेज द रिलीजन बिफोर इस्लाम अल्लाह इज इस्लाम, द रिलीजन बिफोर अल्लाह इज इस्लाम. अच्छा अब होता क्या है कि इन हमें इस्लाम में अल्लाह ताला ने क्या सिखाए हैं, सारी अच्छी बातें सिखाई हैं, ठीक है, द गुड डीड्स, ठीक है, द गुड डीड्स हमें अल्लाह ताला ने किसके थ्रू सिखाई हैं, थ्रू द कुरान पाक, ठीक है, सब इन सब चीज़ों के थ्रू अल्लाह ताला ने हमें गुड डीड्स सिखाई हैं, ठीक है. एंड अल्लाह ताला सेज इन सूरह अल इमरान द रिलीजन बिफोर अल्लाह इज इस्लाम, ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द चैप्टर. देर आर फाइव पिलर्स ऑन विच इस्लाम इज फाउंड, ठीक है. अब पांच पिलर्स ऑफ इस्लाम है जिसपे इस्लाम क्या है, जिसपे हमें इस्लाम मिला है, ठीक है, फाउंडेड. इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम स्टैंड्स ऑन दीज, ठीक है. Just as no building can stand without pillars, the structure of Islam too is incomplete without these five pillars. अच्छा अब जैसे जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें ब्लॉक्स की जरूरत होती है, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट. तो इसी तरह इस्लाम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज फाइव पिलर्स, ठीक है. इन फाइव पिलर्स के अगर अगर मतलब ये फाइव पिलर्स के अलावा ना और कोई मतलब दीज फाइव पिलर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फाइव पिलर्स, ओके. इस पे ही पूरा इस्लाम जो है ना हमारा खड़ा हुआ हुआ है और पूरा स्ट्रक्चराइज हुआ हुआ है, ओके. इफ वी डू नॉट एक्ट ऑन दीज बेसिक आर्टिकल्स ऑफ फेथ, आवर फेथ, फेथ मीन्स ईमान, हमारा जो ईमान है, हमारा जो, ठीक है, हमारा जो एक वो है ना कि नहीं भाई हम नहीं हम अल्लाह ताला के फॉलोअर्स हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, राइट. वो ईमान हमारा इज डिफिसिनेट एंड इम्परफेक्ट. द फॉलोइंग इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आर्टिकल, ओके. तो ये जो पूरे फाइव बेसिक पिलर्स है ना, इनको अब आगे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है. सो द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज कलमाए तैयबा, कलमा शहादत वी कैन से, और कलमा तैयबा यू कैन से इट ऑल्सो, ओके, ठीक है. इसको कलमा शहादत भी कह सकते हैं, इसको कलमा तैयबा भी कह सकते हैं, ओके, सॉरी तैयब, कलमा तैयब, ठीक है. ओके, सो कैन एनीवन रिसाइट द फर्स्ट कलमा, रेज योर हैंड. ओके अब्राहम जी, अनम्यूट करें अब्राहम. Yes, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Very good. Very, mashallah. Okay, jazakallah Abraham. Okay, so our first kalma, the kalma tayyib, okay. With this
proclamation of faith. We declare not only with our tongue but also with our hearts that there is none worthy of worship but Allah. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet and messenger. ठीक है, जब हम ये कलमा पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने हमने इस बात का अहद कर लिया है, हमने इस बात को अपने 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 माइंड में क्या मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हम उसको अपने टंग से ही नहीं, हम उसको बाय हार्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि देयर इज ओनली अल्लाह. ठीक है, हम सिर्फ अल्लाह को फॉलो करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके मैसेंजर हैं हम उनको फॉलो करते हैं. ठीक है, और इसके अलावा देयर इज नो गॉड. ठीक है, सही है, इस मतलब अल्लाह एक है. ठीक है, दैट मींस अल्लाह एक है. सही है, नो ये नहीं बहुत सारे, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं. ठीक है, उनके हिज प्रॉफिट एंड मैसेंजर. ठीक है, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? जी अलिशबा, अनम्यूट कीजिए बेटे, बोलिए. मुझे 5 पिलर्स पता है. पता तो मुझे भी है लेकिन हमें पढ़ना है ना. आपके पास बुक है? ओपन योर बुक. ओके, सो द फर्स्ट पिलर वी हैव लर्न्ड इज कलमा तैयबा. ओके, लेट्स जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई शेयर माय सेकंड स्क्रीन. Okay. Can you all see my screen again now? Give me a thumbs up. Give me a thumbs up if you all can see my screen. Malayam, aap itna dur kyun baithe hain bete? Okay. So, yes. The second pillar of Islam is prayer. Prayer, salah, matlab namaz. Okay? This is a form of worship we offer 5 times a day to thank Allah the Almighty for all the blessings He has given us. Achha, namaz. Hum din mein kitni dafa namaz padte hain? We pray for 5 times a day, right? Okay, so can anyone tell me the names of the prayers? The names. Unmute through, raise your hand through Zoom, beta. Okay, so Hassan, Ji Maheen, first Azan ka naam bataiye. First Azan ka naam. फजर, सिर्फ बस मैंने पूछा फर्ज, सिर्फ फर्स्ट अजान का नाम. ओके, फजर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू माहीन. फजर जी, ज़ैनब, द सेकंड नेम, द सेकंड प्रेयर. ज़ैनब अनम्यूट करो. ज़ोहर, वेरी गुड जी. अब्राहम, थर्ड प्रेयर. असर, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी. अलिशबा, आफ्टर असर. मगरिब, वेरी गुड. एंड द लास्ट वन जी फरीहा, अनम्यूट कीजिए. लास्ट वन इशा, वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो देयर आर 5, वी प्रे फॉर 5 टाइम्स इन अ डे. दोज आर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा. ठीक है, अच्छा. अब जो ये हम नमाज पढ़ते हैं ना, दैट मींस वी आर थैंकिंग अल्लाह. हम अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने हमें लाइफ में जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं उन सब चीजों के लिए. ठीक है, क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक लोग हैं. वी हैव 2 आईज टू सी, वी हैव अ नोज टू स्मेल, वी हैव प्रॉपर माउथ टू ईट. बट सम ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, यू नो, are not able to, you know, sometimes see, sometimes smell, sometimes, you know, eat, and a more, you know, many more issues with them. Okay, so to thank Allah, to say thank you to Allah by full heart and
यू नो बाय द सोल वी प्रे. ठीक है, हम उनको जब हम नमाज पढ़ते हैं ना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला हमें और बहुत सारे रिवॉर्ड्स देते हैं. ठीक है, ओके. सो आई होप एवरीवन विल स्टार्ट प्रेइंग एंड स्टार्ट थैंकिंग अल्लाह टू गेट मोर रिवॉर्ड्स फ्रॉम हिम. ठीक है, ओके. द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज फास्टिंग, सोम. ठीक है, फास्टिंग सोम. फास्टिंग मीन्स रोजा रखना. ठीक है, रोजा. ठीक है, रोजा रखना, इसको हम सोम भी कहते हैं इन अरबिक. ओके, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप. आई होप यू ऑल कैन सी द वर्ड्स क्लियरली. सबको क्लियरली नजर आ रहा है ना बेटे? ओके, वरना मैं और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, बट वो फिर पूरा स्क्रीन पे नहीं आएगा. ओके, इतना सही है आई गेस. ओके, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप वेयर टू प्लीज अल्लाह वी गिव अप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड कंट्रोल आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग और इविल एक्शंस. This discipline of compulsory fasting is observed once a year during the month of Ramadan. Okay, all of you know that there is a month, theek hai, Ramadan, theek hai, in which we all, you know, give up our eating and drinking. That means we all start fasting for a month, theek hai, in which hum sab पूरी ये कोशिश करते हैं कि हम कोई भी कोई गलत काम या कोई ईविल एक्शन ना करें. ठीक है, फर्स्टली इन द मंथ ऑफ रमजान फास्टिंग इज द कंपल्सरी थिंग. ठीक है, रमजान का महीना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है कि हम जो है ना हम फास्टिंग करें और उसके अंदर हम गुड डीड्स करें ताकि अल्लाह ताला जो है ना हमें रिवॉर्ड्स दें. ठीक है, हम जब वन मंथ अच्छे काम करते रहेंगे और फास्टिंग करते रहेंगे ना, रोजे रखेंगे, तो हमें वो अच्छे काम करने की पूरा ईयर में जो है ना आदत हो जाएगी. ठीक है, हम जैसे झूठ बोलना सही है और किसी को तंग करना या किसी की दिल आजारी करना, मतलब किसी को हर्ट करना, तो ये सारी चीजें जो है ना हमें नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो हम जब वो होती है क्या नाम है, जब रमजान आते हैं तो हम इन सब चीजों से अवॉइड करते हैं. राइट जी, अब्राहम बेटे, यू आर रेजिंग योर हैंड, बोलिए. टीचर, मैं ये कहने के लिए कह रहा था कि जो है रमजान जो एक दफा आता है और उसके अंदर पूरे 31 रोजा होते हैं. 30 ऑलमोस्ट 30 हमेशा 30 रोजे होते हैं. वी गेट 30 डेज टू यू नो 30 days to you know please Allah. हम रोजा रखते हैं, हम अल्लाह ताला को ना जो हमने गलत चीजें की हुई होती है ना, हम उसमें अल्लाह ताला को मनाते हैं कि ठीक है अल्लाह ताला हमें फॉरगिव करें, हमें माफ कर दें कि हम आइंदा से ये चीज नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज अ वे टू कन्विंस अल्लाह ताला कि नहीं, अब हम ये चीजें नहीं करेंगे. वी विल डू द गुड डीड एंड विल गो अवे फ्रॉम द बैड डीड. ओके, सो द फोर्थ fourth pillar of Islam is zakat. ठीक है, it is a fixed amount which is to be compulsory paid once in a year by wealthy Muslims for the poor and needy people. ये उन लोगों के लिए compulsory है जो बहुत well off लोग होते हैं ना. ठीक है, जिनके पास good amount of money होता है, गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है या गुड अमाउंट ऑफ यू नो मतलब गुड अमाउंट होता है ना जिनके भी पास. ठीक है, दे आर सपोज टू पे दिस वंस अ ईयर. उनको साल में एक दफा जकात निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और वो किसको देना जरूरी है, गरीब लोगों को, द पुअर पीपल, द नीडी पीपल. ठीक है, उनको देना जरूरी है. लेट सपोज अगर कोई नहीं देता तो अल्लाह विल यू नो पनिश हिम अकॉर्डिंगली. सही है, बट दोज हु गिव अल्लाह यू नो गिव देम मोर रिवॉर्ड्स बिकॉज दे फॉलो दीज फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड दिस इज वन ऑफ द यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, ज़कात. ठीक है, और ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है.
इतना अमाउंट जो है आपको पे करना है, ठीक है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पीपल कि वो एक ही फैमिली को इतना अमाउंट दें या वो डिफरेंट फैमिलीज को उन अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है. ओके, द लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज पिलग्रिमेज, दैट इज हज, ठीक है. दैट इज हज, जो आखिरी हमारा अरकान है इस्लाम का, दैट इज हज. दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल वर्शिप विच मुस्लिम्स आर ऑब्लीग टू परफॉर्म एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम. अच्छा, ये तो हमें ज़कात जो है वो वंस इन अ ईयर पे करनी है, लेकिन हज जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़रूरी किया है कि हम अपनी पूरी लाइफ में ना एक दफ़ा हज करें. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जब हम हज करते हैं ना तो हमारे ये पांच अरकान इस्लाम के पूरे होते हैं, ठीक है. और ये सबके ऊपर जो है ना कंपल्सरी मैंडेटरी है कि हर कोई इसको एक दफा इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब लाइफ में एक दफा इसको परफॉर्म करें, ठीक है. ऑल दीज आर्टिकल्स आर ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल मुस्लिम मेन एंड वुमेन एंड द वन हु एक्ट्स अपॉन देम इज अ ट्रू मुस्लिम, ठीक है. सी दिस लाइन इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट. द वन हु एक्ट्स अपॉन देम इज अ ट्रू मुस्लिम, ठीक है. अगर हम इन पांच अरकान को फॉलो करके करें और इन सबको पूरा करें पांच अरकान को, तो वी विल बी नोन एज अ ट्रू मुसलमान, ठीक है. हम अल्लाह ताला के फॉलोअर्स और हम, ठीक है, वी विल बी नोन एज अ ट्रू मुस्लिम. इज इट क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर? ओके, सो एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेश्चंस? Unmute yourself. I am unmuting Hiba. जी बेटे, unmute करो बेटा. अच्छा, very good. बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह. आपने उमरा किया, बहुत अच्छी बात है. बट जो हज है ना वो हमें लाइफ में एक दफा करना is very important. ठीक है, it's very important to do a पूरे लाइफ में, ठीक है. They're not asking कि एक year में. Once a year? No. Once a lifetime. Lifetime. ठीक है? जी रेहान, unmute कीजिए. मेरे five plan समझ में आया. बेटा हज, 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 हज पता है ना वो कब आता है? जब रमजान खत्म होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारे पास before ईद उल अधा जो है हम हज, हमारे यहाँ हज परफॉर्म होता है, राइट? ठीक है, देखा है आपने, बकरा ईद से पहले हज करते हैं लोग, सही है. तो जो ये जो फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम है, दिस इज हज, ठीक है, जो हमें वंस इन अ लाइफ टाइम करना जरूरी है. इज इट क्लियर रेहान? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नो पिलर ऑफ इस्लाम. Is it clear, Rehan? Okay. So our class is about to end in 5 minutes, like in on 11:25. Okay. Then you have. Just let me check. I'll let you know that which class do you have after this. Okay, so the next block you are having is Urdu block, which will start on 11:25. Okay, so hope you all have no confusions. जी माहीन, unmute कीजिए बेटा. Teacher, मैं बस यही पूछी थी कि इसका कौन सी क्लास है, आपने बता दिया. Okay, जी अब्राहम, unmute करो बेटे. Teacher. क्या मिस वो सेइंग द अगेन टीचर व्हेन द उर्दू ब्लॉक विल फिनिश इंग्लिश ब्लॉक विल हैपन ना यस
मिस वाज सेइंग दैट देयर इज टू ब्लॉक्स बट आई विल टेक ओनली वन ब्लॉक सो दैट मींस दैट इज आवर फ्री ब्लॉक He'll inform you through the WhatsApp group, okay? Okay. I'll talk to her and she'll inform you. Don't worry. Achha, okay, one more thing. Yesterday I told you that there will be no, you know, games block and library block, right? But you will be having a yoga block, okay? Aapka yoga block jo hai na, wo hoga, but no library and games block, okay? Is it clear? Library games block nahi hoga, only yoga block. And Sir Zaidi will be taking it, okay? You know na, Sir Zaidi? He will be taking it through Zoom, okay? Soon we'll be sharing his ID and password of Zoom through which you people can join, okay? Okay, everyone? And maybe your yoga classes will start from Monday, okay? Okay? So, not in this week, only 3 days are left. So, from Monday, he'll be continuing it, okay? So, you'll be doing your yoga through Zoom. Please, Zaina, unmute karo, beta. Bolo, beta. Okay, maine time table dekha tha, usme Thursday ko yoga block hai. Haan, bete, don't worry. We'll manage it accordingly, na? We'll let you know, people know. That is it going to be on Monday or let's see what happens, okay? Okay? Okay, so this is it for today. I hope there is no confusion and your homework will be uploaded on the software, okay? So you can go and find the homework over there, okay? Is it clear? And I want all of you to get the book of Islamiyat as soon as possible, okay? Thank you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Go. You can join your Urdu class after 2 minutes. Okay. She'll start on 11:25.